नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल में बम रखने की कॉल के बाद खाली करा लिया गया। हालांकि बम की खबर झूठी निकली। पुलिस को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो नौकरी न मिलने से परेशान था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी अपने राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु यहां पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर देंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर पैर पसारने लगा है। 34 दिनों बाद देश में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,407 नए मामले सामने आए। 17,000 से ज्यादा मामले आखिरी बार इसी साल 28 जनवरी को दर्ज किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बता दें, वैसे तो अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 साल है, लेकिन वो लंबे वक्त से डायबिटीज से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें भी वैक्सीन दी गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जानकारी दी कि अब राम मंदिर परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले ये जगह सिर्फ 70 एकड़ थी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन कमजोर वैश्विक संकेतों से शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 744.85 अंक की गिरावट के साथ 50,699.80 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 218.85 अंक यानी 1.44% नीचे 15,026.75 के स्तर पर खुला। हरियाणा में दिन दहाड़े दो छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में 5 गोली लगने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी ने गंभीर हालत में उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेरिका में एक बार फिर कैपिटल पर हमले को लेकर अधिकारियों ने वहां के सांसदों को चेताया है। स्थानीय समय अनुसार बुधवार को अधिकारियों की ओर से सांसदों को सतर्क करते हुए ये संदेश दिया गया कि 4 मार्च को कैपिटल में खतरे की संभावना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के तहत सहायक प्रबंधक परिचालन सहित 292 पदों पर भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यूपीएमआरसी द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को अब 75% आरक्षण मिल सकेगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित विधेयक को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द इस कानून की अधिसूचना जारी की जाएगी। एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का नया और सबसे बड़ा रॉकेट अपनी तीसरी टेस्ट फ्लाइट में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इसमें धमाके के बाद आग लग गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामले 417 आए हैं। हालात बिगड़ते देख सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। इस बार महाकाल मंदिर में भी 25,000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिल सकेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल के ट्वीट को फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई को अपनी उंगलियों पर नचाती है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों कंपनियों पर बीते दिन इनकम टैक्स के छापे पड़े। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के ठिकानों पर जो रेड डाली गई है वो 3 दिन तक चल सकती है, क्योंकि अधिकारियों को कई डिजिटल डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को जेल में ही मारने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में कल बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यूपी के नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत हुई है। यहाँ रोबोट ही रोबोट बनाएंगे। दरअसल देश में अभी गिनी चुनी कंपनियों ने ही रोबोट बनाना शुरू किया है। नोएडा में बनी इस फैक्ट्री में देश की व्यापारिक संस्थाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोबोट बनाया जाएगा।
जर्मनी में कोरोना वायरस से निपटने के मद्देनजर लगे लॉकडाउन को और 3 सप्ताह यानी 28 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ पाबंदियों में छूट दी जाएगी। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मर्केल एक बार फिर विवादों में फंस गई हैं। उन पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेसन नोफ नाम के अधिकारी ने राजकुमारी पर धमकाने का आरोप साल 2018 में लगाया था। वहीं मेगन के प्रवक्ता के अनुसार मेगन की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी अनायरा की वीडियो शेयर की है। वीडियो में अनायरा डांस करती नजर आ रही हैं और बेहद प्यारी लग रही हैं। अनायरा हनी सिंह के गाने जिंगल बेल पर ताली बजाते हुए डांस कर रही हैं। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल जल्द ही मां बनने वाली हैं। ये गुड न्यूज खुद श्रेया ने फैंस के साथ शेयर की। साथ ही श्रेया ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेबी बम्प के साथ फोटो भी शेयर की है। एक बार फिर राखी सावंत विवादों में फंसती नजर आ रही हैं। राखी सावंत और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें राखी और उनके भाई पर 6 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा है। ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर एक्टर मधुर मित्तल के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता यानी IPCC की धारा 354, 354A, 354B, 509 और 323 के तहत आरोप लगे हैं। अभिनेत्री गौहर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनके पिता को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गौहर ने प्रशंसकों को दुआओं के लिए शुक्रिया कहा है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के सपोर्ट में उतरी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। स्वरा ने दोनों सितारों के समर्थन में ट्वीट करते हुए उन्हें वॉरियर बताया। स्वरा ने लिखा, जो साहस और दृढ़ विश्वास वाली एक अद्भुत लड़की है, आज के समय में उनके जैसे कम है। मजबूती के साथ खड़ी रहो वॉरियर। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।